हेलो एवरीबडी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन मैं हूं अनीश आपकी अपनी इंग्लिश एडुकेटर और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं सबसे मोस्ट अवेटेड टॉपिक हमारे क्लास इलेवन के स्टूडेंट्स का और वो है क्लास इलेवन के राइटिंग स्किल्स के टॉपिक्स सो so, आज मैं आपके राइटिंग स्किल्स के तीन टॉपिक्स के एम यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करूंगी आज हमारी इस वीडियो में और वो कौन से तीन टॉपिक्स होंगे फर्स्ट टॉपिक होगा नोटिस राइटिंग और सेकेंड टॉपिक होगा बिजनेस लेटर्स और जिसको हम ऑफिशियल लेटर्स भी कहते हैं क्योंकि ऑफिशियल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जिनको आप ऑफिशियल पर्पजेस के लिए भेजते हो तो जो बिजनेस लेटर्स होते हैं वो ऑफिशियल लेटर्स के ही एक टाइप होते हैं और थर्ड होता है स्पीच राइटिंग तो इन तीन टॉपिक्स के टॉपिक वन ये रहा आपका टॉपिक वन टॉपिक टू एंड टॉपिक थ्री इन तीनों टॉपिक्स के आज मैं कवर करूंगी एमसीक्यूज़ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ दीज इज द करेक्ट फॉर्मैट ऑफ राइटिंग द डेट इन अ नोटिस तो जब भी आप नोटिस लिखते हो तो उसमें फॉर्मैट में आपको डेट लिखनी पड़ती है तो डेट लिखने का सही फॉर्मैट या सही तरीका क्या है वो आपको बताना है आपके सामने फोर ऑप्शंस गिवन है और जो करेक्ट ऑप्शन है उसे आपको करना है टिक मार्क सो लेट्स सी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए में डेट पूरे वर्ड्स में लिखी है यानी कि प्रॉपर नंबर नेम में लिखा है जैसे ट्वेंटी थ्री मार्च 2021 एंड ट्वेंटी वन तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है इस तरीके से डेट नहीं लिखी जाती किसी भी राइटिंग स्किल के क्वेश्चन में चाहे वो नोटिस हो चाहे आर्टिकल हो या चाहे लेटर हो कहीं पर भी ऐसी डेट नहीं लिखी जाएगी नेक्स्ट है 23-03-2021 तो बीच में अगर डैश है या ऐसा अगर स्लैश लगाया है वो भी तरीका गलत है इस तरीके से आपको डेट नहीं लिखनी है दिस इज नॉट द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट थर्ड है ट्वेंटी फिर मार्च की स्पेलिंग लिखी है एंड देन 2021 आपने ईयर लिखा है बीच में कॉमा लगा के तो दिस इज द परफेक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट इन ऑल द नोटिस चाहे वो लेटर्स हो चाहे नोटिस हो कुछ भी हो यही एक सही फॉर्मेट है जिससे आप जिसको जिसके तरीके से आपको डेट लिखनी चाहिए अगर आपने ये तरीका नहीं अपनाया तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे फॉर राइटिंग द डेट लास्ट ऑप्शन है ट्वेंटी थ्री स्लैश जीरो स्लैश टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन जैसे कि मैंने आपको यहां भी बताया था चाहे डैश हो या बीच में स्लैश हो या आप डॉट लगा रहे हो ईयर मंथ में तो वो भी सब रॉन्ग होगा क्योंकि जो सही फॉर्मेट है डेट लिखने का वो यही है ट्वेंटी थर्ड मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन दैट मीन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन फॉर दिस इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द मेन मोटिव ऑफ राइटिंग अ नोटिस नोटिस लिखने का सबसे मेन मोटिव या फिर मेन पर्पस क्या है हम लोग नोटिस लिखते क्यों हैं तो बेसिकली नोटिस इसीलिए लिखा जाता है ताकि हम लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप को या लार्ज नंबर ऑफ पीपल को किसी भी चीज के बारे में इन्फॉर्म कर सकें यानी कि उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल के लिए हम नोटिस लिख रहे हैं तो स्कूल के बच्चों के लिए अगर नोटिस लिख रहे हैं कि भाई सो एंड सो डेट पे स्कूल में एनुअल फंक्शन या स्पोर्ट्स फंक्शन होने वाला है तो प्रिंसिपल जाके एक, एक बच्चे को तो क्लास में जाके नहीं बता के आएगी वो क्या करेगी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लिख लेगी नोटिस लगा देगी ताकि जो भी से आए जाए उनको वो इंफॉर्मेशन मिल जाए तो, जो या जो है, का तो है, events, जो भी अपकमिंग इवेंट है स्कूल में ऑफिस में या किसी भी वर्किंग एनवायरमेंट में जो भी आने वाले इवेंट्स है कि अभी इवेंट होने वाला है अभी फंक्शन होने वाला है वो बताने के लिए नोटिस लिखा जाता है तो यस yes, स्कूल में भाई एक गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम है फिर एनुअल फंक्शन है फिर स्पोर्ट्स डे है फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो जो भी अपकमिंग इवेंट्स है उसकी इन्फॉर्मेशन नोटिस बोर्ड पर आ जाती है पहले से टू इन्फॉर्म पीपल किसी भी चीज़ के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए इन्फॉर्म करने के लिए तो यस yes, इसीलिए भी हम नोटिस लिखते हैं टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग लॉस्ट और फाउंड फॉर एग्जाम्पल स्कूल में किसी बच्चे का कोई सामान या कुछ पैसे का अमाउंट लॉस्ड हो गया यानी यानि घूम गया है और घूम जाने के बाद वो मिल गया है तो फाउंड का तो लॉस्ट एंड फाउंड किसी भी चीज के खो जाने का या अगर खो गई तो उसके मिल जाने का फाइंड या फाउंड हो जाने का ये नोटिस भी आप स्कूल के नोटिस बोर्ड पर डेफिनेटली लगा सकते हो तो बेसिकली ये तीनों ही ऑप्शन एक तरीके के पर्पज या मोटिव हैं जिनके वजह से हम नोटिस लिखे जाते हैं दैट ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट द वर्ड नोटिस इज रिटन इन हम सबको पता है कि जब हम नोटिस लिखते हैं तो सबसे पहले इस तरीके से एक बॉक्स बनाते हैं और ऊपर सबसे पहले वर्ड लिखते हैं नोटिस एन ओ टी आई सी ई यही इसका तरीका है नोटिस लिखने का शुरू करने का तरीका यही है तो जब हम नोटिस लिखते हैं तो वो किस में लिखा जाता है इज इट रिटन इन फ्रेंच लैंग्वेज नहीं भैया कोई फ्रेंच लैंग्वेज कोई उर्दू में कोई इटालियन इताल, में किसी भी भाषा में नहीं लिखना आपको सिंपल इसे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है प्रिंट हैंडराइटिंग प्रिंट हैंडराइटिंग बोले तो ऐसे क्या यह सही तरीका है नोटिस लिखने का नहीं ये वर्ड नोटिस इस तरीके से प्रिंट हैंडराइटिंग में भी नहीं आता है ओके तो ये गलत तरीका है तो प्रिंट हैंड राइटिंग में नहीं ब्लॉक लेटर्स ब्लॉक लेटर्स यानी इस तरीके से एकदम कैपिटल लेटर्स में तो ये yes, यही वो सही तरीका है जिसमें हम वर्ड नोटिस लिखते हैं स्मॉल लेटर्स स्मॉल लेटर्स यानी कि ऐसा ऐसे कर्सिव में स्मॉल लेटर्स तो ये भी एक रॉन्ग तरीका है जो सही तरीका है वो यही सही तरीका है आपका नोटिस लिखने का दैट मीन ऑप्शन नंबर सी ब्लॉक लेटर्स इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस लेटर शुड बी बिजनेस लेटर यानी एक तरीके का फॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर का ही इसमें पूरा फॉर्मेट आता है तो जो बिजनेस लेटर है उसमें फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आएगा यानी कि फॉर्मल लेटर में हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट की वो एक लाइन पढ़ के हमें समझ में आ जाता है कि किस बारे में पूरा लेटर लिखा गया है तो जो सब्जेक्ट लिख रहे हो बिजनेस लेटर में वो कैसा होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर एक क्लियर बिल्कुल क्लियरली आपको लिखना लिखा होना चाहिए कंफ्यूजिंग लाइन नहीं होनी चाहिए वो यस ब्रीफ ब्रीफ यानी कि शॉर्ट में भाई आप पूरा लेटर ऑलरेडी लिख रहे हो लेकिन जो सब्जेक्ट लाइन है वो शॉर्ट में या ब्रीफ में लिख रहे हो एक लाइन में एकदम या कुछ वर्ड्स में ताकि रीडर को पहले से ही समझ में आ जाए कि किस बारे में या किस टॉपिक पर ये लेटर लिखा जा रहा है तो वो ब्रीफ होना चाहिए यानी शॉर्ट होना चाहिए आप पैराग्राफ्स में नहीं लिख सकते सब्जेक्ट को रेलिवेंट रेलिवेंट मीन्स करेक्ट बिल्कुल सही जो भी आप लेटर लिख रहे हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए लॉजिकल होना चाहिए जो रीडर है आपके लेटर का उसको पढ़ के समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है तो रेलिवेंट भी होना चाहिए यानी सही लिखा होना चाहिए तो बेसिकली ये तीनों चीजें होनी चाहिए विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अब इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट विच ऑफ दिस इज अट सुबल सैल्यूटेशन ऑफ अजनेस लेटर जब आप बिजनेस लेटर लिखते हो तो वो एक तरीके का मैंने बताया ये फॉर्मल लेटर होता है और उसमें आप लिखते हो सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन यानी की जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो उसको सर या मैडम कह के जब आप एड्रेस करते हो तो उसे हम सैल्यूटेशन कहते हैं अब क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है तो इसमें हम डियर सर डियर मैडम ये सब नहीं लिख सकते सिंपल सर लिखो और नहीं और आपको किसी फीमेल को अगर आप लेटर लिख रहे हो तो आप लिखो मैडम कुछ भी नहीं पता तो सिंपल सर लिख दो या स्लैश लगा के मैडम लिख दो कि भाई जो भी हो आप हमें नहीं पता हमने तो सर और मैडम लिख दिया है सिंपल तो सैल्यूटेशन कैसा होना चाहिए एक बिजनेस लेटर का तो ऑप्शंस हैं सिंपल सर एंड मैडम यस ये एक सही ऑप्शन है डियर सर या मैडम तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि आप डियर बिल्कुल नहीं लिख सकते क्यों क्योंकि डियर इनफॉर्मल लेटर में लिखा जाता है ना कि फॉर्मल लेटर में फिर आता है मिस्टर एबीसी या बी एबीसी फॉर एग्जांपल आपको सर या मैडम का किसी का नाम नहीं पता या अगर नाम पता है तो आप उनका नाम लिख रहे हो मिस्टर करके फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टर राहुल है तो आप मिस्टर राहुल लिख रहे हो या अगर लेडी का नाम है अरुणा तो मिसेज अरुणा आई एम सॉरी मिस्टर मिसेज और नाम नहीं चलते एक फॉर्मल लेटर या एक बिजनेस लेटर में आपको सिंपल सर और मैडम लिखना पड़ता है सर या डियर मैडम आई एम सॉरी डियर वियर नहीं लिखना है मैडम को उनके हस्बैंड आ जाएंगे आपको मारने के लिए तो आप उनकी डियर मैडम बिल्कुल मत लिखिए क्यों क्योंकि ये एक तरीका है इनफॉर्मल लेटर लिखने का तो यह भी एक गलत तरीका है आपको सिंपल जो सैल्यूटेशन है वो सर और मैडम लिख के एड्रेस करना है उस पर्सन को दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट इफ अ नोटिस इज रिटन फॉर स्कूल पर्पज वेयर इज इट पुट अप अगर कोई नोटिस लिखा जा रहा है स्कूल पर्पज के लिए यानी कि स्कूल के बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए तो वो कहाँ अप होगा यानी कि वो नोटिस कहाँ लगाया जाएगा तो ऑप्शन है नोटिस बोर्ड बी इन द वॉशरूम स्कूल के वॉशरूम में हम नोटिस क्यों लगाएंगे भाई तो क्या नोटिस पढ़ने के लिए वॉशरूम बार बार विजिट करना पड़ेगा ये कुछ भी ऑप्शन है ओके इन द प्रिंसिपल्स कैबिन प्रिंसिपल अपने कैबिन में अपने ही ऑफिस में वो नोटिस लगा देगा भाई अगर वो अपने ही कैबिन में लगा देगा तो खुद ही पूरा दिन पढ़ते रहे बच्चों को कैसे पता चलेगा एक एक बच्चा प्रिंसिपल के कैबिन में तो जाके नहीं पढ़ेगा ना नोटिस तो प्रिंसिपल के कैबिन में भी नहीं ऑप्शन नंबर ए नोटिस बोर्ड इज द राइट ऑप्शन जो हर स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता है जिसमें बच्चों के इंफॉर्मेशन देने के लिए नोटिस लगाए जाते हैं तो यही वो जगह है जहाँ पे स्कूल के नोटिस पुटअप होते हैं हाँ। हाँ। हमें हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस नहीं हो सकता दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए नोटिस बोर्ड इज द राइट ऑप्शन टू दिस

एक पर्पज बिजनेस लेटर लिखने का ये होता है कि अगर आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है फॉर एग्जाम्पल मैं फर्नीचर का बिजनेस करती हूँ तो मुझे प्लाईवुड चाहिए फॉर एग्जाम्पल मतलब लकड़ी लकड़ी चाहिए अपना फर्नीचर बनाने के लिए तो मैं एक दूसरे बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर जो कि लकड़ी या प्लाईवुड प्रोड्यूस करते हैं बनाते हैं मैन्युफेक्चर करते हैं उनसे अपनी बिजनेस डीलिंग करूंगी तो मैं अपना ऑर्डर प्लेस करूंगी उनसे यानी कि मैं अपने ऑर्डर करूंगी तो जब मैं अपना ऑर्डर प्लेस करूंगी और उसका लेटर लिखूंगी उसमें कि मुझे इतनी इतनी प्लाईवुड चाहिए जो भी कुछ भी है तो मैं इस उस 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 में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है ये चारों में से एक स्टेटमेंट करेक्ट है आपको वो बताना है इन कॉन्टेक्स टू लेटर प्लेसिंग फॉर एन ऑर्डर ओके तो ऑप्शन है इट इज रिटर्न टू द एडिटर जो लेटर प्लेसिंग एन ऑर्डर है वो एडिटर को लिखा जाता है भाई एडिटर तो वो इंसान होता है जो किसी न्यूज पेपर या किसी मैगजीन का एडिटर या ओनर होता है जो ये डिसाइड करता है कि कौन सी न्यूज मेरे न्यूज में छपेगी या नहीं छपेगी तो उसको क्यों हम ये भेजेंगे उस उसको, उसको तो डिफरेंट वो तो लेटर टू एडिटर दूसरे होते हैं कि दिस इज लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर यानी कि बिजनेस पर्पज के लिए लेटर है तो इसमें एडिटर कहाँ से आ गया तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा इट इज रिटर्न टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ये लेटर इसीलिए लिखा जाता है ताकि आपको कोई गुड्स चाहिए कोई सामान कोई प्रोडक्ट्स या किसी से कोई सर्विसेज लेनी है किसी दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से तो आप इसीलिए वो ऑर्डर प्लेस करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेस का उनको लेटर लिख रहे हो तो ये बिल्कुल सही है इट इज रिटर्न टू फाइल अ पुलिस कंप्लेट भाई आपने किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अपना सामान मंगवाना है या अपना कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो उसमें पुलिस कंप्लेंट कहाँ से आ गई हाँ मानते हैं कि अगर कोई चीज़ों में या गुड्स में कोई डिफेक्ट आ गया है प्रोडक्ट्स में तो आप वापस उनको कंप्लेन लेटर लिखोगे आप डायरेक्टली पुलिस को क्यों कंप्लेन करोगे भाई कोई क्राइम थोड़ी हुआ है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा इट इज़ रिटर्न टू गेट योर व्यूज पब्लिश इन अ मैगजीन ये लेटर इसीलिए लिखा जाता है ताकि जो आपके व्यूज़ हैं जो आपके थॉट्स हैं वो किसी मैगजीन में पब्लिश हो जाए तो आई एम सॉरी अगर आपको अपने व्यूज़ मैगजीन uh, में या लेटर में पब्लिश करने तो आप लेटर टू द एडिटर लिखो यस yes, ये ऑर्डर प्लेस करना है किसी चीज़ का तो उसमें ये मैगजीन कहाँ से आ गई भाई दुनिया के सामने थोड़ी आपको बताने की मैं ये चीज़ खरीद रही हूँ सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट द हेडिंग ऑफ अ नोटिस शुड डैश जो नोटिस की हेडिंग होती है वो कैसी होनी चाहिए तो ऑप्शन है बी ब्रीफ ब्रीफ यानी शॉर्ट ऑब्वियसली हेडिंग है तो थोड़ी शॉर्ट में ही लिखोगे इतनी लंबी लंबी हेडिंग लिखोगे तो नोटिस कहाँ लिखोगे क्योंकि नोटिस लिखने की जो वर्ड लिमिट होती है वो 50 वर्ड्स होती है तो आप 50 वर्ड्स में ही आपको कंप्लीट करना है तो नोटिस का जो हैडिंग है वो एक या दो वर्ड्स की होनी चाहिए बस तो दैट मीन्स जो नोटिस की हेडिंग है वो ब्रीफ होनी चाहिए यानी कि शॉर्ट में होनी चाहिए नेक्स्ट ए एंड सी ऑप्शन नंबर बी है ए एंड सी तो देखें पहले सी क्या B है ऑप्शन बी है बी कैची कैची यानी कि जैसे ही आप नोटिस की हेडिंग पढ़ो तो आपकी नजर पड़े यानी कि आपकी नजर कैच करे कि वाह कितनी अट्रैक्टिव हेडिंग लिखी है कभी कभी इतना नोटिस लोगों को पढ़ने का टाइम नहीं होता क्योंकि लोग बिजी रहते हैं लेकिन अगर हेडिंग जो है नोटिस की वो थोड़ी कैची है वो थोड़ी अट्रैक्टिव है या कुछ ऐसी लिखी कि लोगों को इंटरेस्ट है कि अरे पढ़े तो सही नोटिस में क्या लिखा है तो वैसी हेडिंग होनी चाहिए कि नोटिस हेडिंग पढ़ के लोग अपने आप uh, मजबूर हो जाएं कि वो पढ़ें पूरा पूरा नोटिस ओके okay? तो यस yes, ऐसी कैची हेडिंग्स भी होनी चाहिए नन ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि ए और सी दोनों सही है राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन हेडिंग आपकी ब्रीफ यानी शॉर्ट होनी चाहिए और कैची यानी सबकी नजर पड़े उस पर फिल इन द ब्लैंक

ओपनिंग लाइन है यानी जब आप स्पीच लिखते हो या स्पीच बहुत सारी ऑडियंस के सामने खड़े होकर देते हो तो यूजुअली स्कूल के लोग या स्कूल के बच्चे इस तरीके से ओपनिंग लाइंस देते हैं कि रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स टुडे भाई मैं खड़ा हूँ राहुल वर्मा आपके सामने और अपनी स्पीच देने वाला वालों और मेरी स्पीच का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लिनलीनेस साफ सफाई की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे इन्वायरमेंट में तो इस टॉपिक पर बच्चा बोल रहे हैं अब जब आप स्पीच लिखते हैं तो आप कोई सा भी प्रोनाउन यूज कर सकते हैं एनी प्रोनाउन तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है उस प्रोनाउन से जो यहाँ पे होगा तो ऑब्वियसली जब यहाँ लिखा है कि रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स टुडे डैश राहुल वर्मा स्टैंड बिफोर यू कि आज मैं राहुल वर्मा आपके सामने खड़ा होता हूँ और अपने टॉपिक पे स्पीच दूंगा और मेरा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लिनलीनेस तो भाई मैं मैं यानी कि क्या होना चाहिए इसमें से ऑप्शन दे क्या दे आएगा यहाँ पे नहीं वी क्या बहुत सारे लोग खड़े होके दे रहे हैं वहां पे स्पीच नहीं सिर्फ एक अकेला इंसान आए यानी कि मैं राहुल वर्मा आपके सामने स्पीच दे रहा हूँ दैट मीन्स आय इज द राइट ऑप्शन ही भी नहीं होगा क्योंकि वो किसी और के लिए एड्रेस नहीं कर रहा वो अपने लिए अपनी बात कर रहा है कि मैं राहुल वर्मा आज आपके सामने खड़े होके इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्लेंडलीनेस के टॉपिक पे खड़े होकर स्पीच दूंगा दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आई इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन यहां आ आएगा नेक्स्ट वॉट आर पैरामीटर्स ऑफ मेजरिंग अ बिजनेस लेटर जब आप एक बिजनेस लेटर लिखते हो तो क्या पैरामीटर्स आप देखते हो क्या चीजें बेसिक पॉइंट्स देखते हो और उसके बाद आप एक बिजनेस लेटर को मार्क्स देते हो यानी कि क्या क्या चीजें आपकी उसमें करेक्ट होनी चाहिए तो एक्यूरेट एक्यूरेट जो भी आप ग्रामर यूज कर रहे हो पूरे लेटर में वो होनी चाहिए यानी कि करेक्ट होनी चाहिए सही होनी चाहिए अगर आपने सही नहीं लिखी है ग्रामर गलत लिखी है तो बेटा इंग्लिश का पेपर है डेफिनेटली लैंग्वेज सब्जेक्ट है मार्क्स डिडक्ट होंगे यानी कि कट होंगे तो यस yes, जब आप बिजनेस लेटर लिख रहे हो तो यू शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट नेक्स्ट राइटिंग इन द राइट फॉर्मेट क्योंकि बिजनेस लेटर है यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ अ फॉर्मल लेटर तो फॉर्मल लेटर का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है आपको वो राइट फॉर्मेट यूज करना है तब जाके आपका लेटर सही होगा तो फॉर्मेट भी बिल्कुल होना चाहिए सही

तो इट इज रॉन्ग नेक्स्ट इन कैपिटल लेटर्स यानी कि ऐसे ये ऐसे ये आपका कर्सिव राइटिंग हो गई तो ये तो आप नहीं लिख सकते कैपिटल लेटर्स बोले तो आप ऐसा लिख सकते हो इस तरीके से तो ना ही स्मॉल लेटर्स चलेंगे ना ही कर्सिव चलेगी इस तरीके के कैपिटल लेटर्स होने चाहिए जब आप लिख रहे हो सब्जेक्ट अपने लेटर में तो येस कैपिटल लेटर्स होने चाहिए स्मॉल लेटर्स नहीं होने चाहिए इन फ्रेंच लैंग्वेज भाई ये फ्रेंच लैंग्वेज में इटालियन लैंग्वेज में जर्मन लैंग्वेज में ये सब वो लोग अपना लिखेंगे जर्मनी में इंडिया में है हम इंग्लिश का पेपर लिख रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे नन ऑफ दी अबव हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी इन कैपिटल लेटर्स कैपिटल लेटर्स में आपका सब्जेक्ट लिखा जाता है बिजनेस लेटर में ओके नेक्स्ट व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ बिजनेस और ऑफिशियल लेटर जब आप बिजनेस लेटर लिख रहे हो बिजनेस लेटर का मतलब ऑफिशियल लेटर ही होता है ऑफिशियल लेटर का पार्ट या टाइप होता है एक बिजनेस लेटर तो जब भी आप बिजनेस या ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो तो उसका मोटिव क्या है उसका पर्पस क्या है क्या रीजन है कि आप बिजनेस लेटर किसी को लिख रहे हो तो ऑप्शंस है फॉर मेकिंग इंक्वायरीज अबाउट गुड्स जब आप किसी गुड्स या किसी सामान या किसी प्रोडक्ट के बारे में सामने वाले से इंक्वायरी ले रहे हो कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हो कि ये गुड्स कैसे हैं तो ये एक बिजनेस पर्पस हो गया इस वजह से आप एक बिजनेस लेटर लिखोगे तो यस yes, इंक्वायरी करने के लिए यानी कि कुछ सामने वाले से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप बिजनेस लेटर लिखते हो नेक्स्ट फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेन रिगार्डिंग दी ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल आपने पहले कोई ऑर्डर दिया हुआ है और वो ऑर्डर में कुछ गलती आ गई है यानी कि वो कुछ गलत सामान उन्होंने आपको भेज दिया है तो ये आप कम्प्लेन करोगे उनको कि भाई आपने गलत सामान भेज दिया है तो उस उस पर्पज़ के लिए अगर आप कम्प्लेन लेटर लिख रहे हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिससे आपने सामान पहले मंगवाया था तो ये भी एक बिज़नेस पर्पज़ के लिए ही होता है इसीलिए बिज़नेस लेटर लिख सकते हो एज़ अ कंप्लेन लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर कोई ऑर्डर प्लेस करना है आपको सामान का ऑर्डर देना है कितना माल भेज देना या आपको कोई रिप्लाई भेजना है उसका, तो बेसिकली तो तो तीनों वो मोटिव है तीनों वो पर्पजेस है जिसके लिए आप बिजनेस लेटर लिखते हो दैट मीन ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अब इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अ नोटिस यहाँ पे चार ऑप्शन दिए और इसमें से कौन सा नोटिस का टाइप है आपको वो बताना है तो ऑप्शन नंबर ए ब्राइड वॉन्टेड आपके पास ग्रूम है दूल्हा है और आपको उसके लिए दुल्हन चाहिए दैट मीन ब्राइड चाहिए आपको तो ये एक तरीके की क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होती है जो आप न्यूज पेपर में देते हो ओके okay? तो ये नोटिस नहीं लगाओगे की अरे भाई दुल्हन चाहिए दुल्हन चाहिए दुल्हन चाहिए नो no, बाबा ये तो एडवर्टीजमेंट का पार्ट है जब आप न्यूज पेपर के क्लासिफाइड कॉलम्स में एड दोगे टू लेट वॉन्टेड टू लेट यानी कि आपको रेंट पे कोई रहने का घर चाहिए तो उसके लिए पूरे दुनिया में और जहान में नोटिस तो लगाओगे नहीं आप ये एडवर्टीजमेंट दोगे न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट पर्स लॉस्ट हो गया तो इन लॉस्ट एंड के लिए आप एक नोटिस मत लीजिए सामान या चीज जो भी बच्चों की खोई थी घूम गई थी वो अब मिल गई है ताकि सबको पता चल जाए और सबकी टेंशन दूर हो जाए तो यस इस पर्पज के लिए आप नोटिस अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा सकते हो या ऑफिस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर भी सिचुएशन वेकेंट सिचुएशन वेकेंट यानी कि आपकी कंपनी में एक सिचुएशन यानी कि एक जॉब पोजीशन वेकेंट है यानी खाली है और आप चाहते हो कि कोई जॉब सीकर आए और उस जगह को फुलफिल करें यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में उस जगह को भरे तो इसके लिए आप नोटिस नहीं लगाओगे इसके लिए आप न्यूज़ पेपर में क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट यानी कि न्यूज़ पेपर में इश्हार दोगे कि भाई हमारी कंपनी में एक सिचुएशन एक पोजिशन वेकेंट है यानी खाली है प्लीज आओ अपना रिज्यूमे लेके इंटरव्यू वगैरह देके जाओ तो ये भी एडवर्टीजमेंट का पार्ट है तो बेसिकली ए बी और डी दोनों है एडवर्टीजमेंट का पार्ट और कौन सी एडवर्टीजमेंट क्लासिफाइड यानी कि न्यूज में जो लिखी जाती है एड तो ये नोटिस का पार्ट नहीं तो बेसिकली जो नोटिस का पार्ट है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी लॉस्ट एंड फाउंड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी आप नोटिस लिखें तो हमेशा लिखेंगे yes, ये बिल्कुल जरूरी है कि आप जब भी नोटिस लिखेंगे आप बॉक्स में लिखेंगे चाहे आपसे क्वेश्चन में बोला गया हो या नहीं हो यह अंडरस्टूड है कि हमेशा बॉक्स में लिखना है बॉक्स में नहीं लिखेंगे तो फॉर्मेट के मार्क्स कट होंगे डिडक्ट होंगे ओके okay? तो इज इट ऑलवेज ने नोटिस इन अ बॉक्स नेवर नेवर तो नहीं यस yes, ऑलवेज हमेशा क्वेश्चन सिर्फ तभी आप बॉक्स में लिखेंगे जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो नहीं भैया हमेशा लिखना पड़ेगा कभी भी आपसे बोला नहीं जाएगा ये अंडर टूडे ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया विच इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट पिक दी ऑर्ड वन आउट इन कॉन्टेक्स ऑफ स्पीच राइटिंग जब आप स्पीच लिखते हो तो उस पर उसको ध्यान में रखते हुए इन सारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऑड है सबसे अलग है या गलत है सबसे उसे आपको टिक मार्क करना है इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक तो यस जब हम स्पीच देते हैं तो हम अपने टॉपिक को जिस भी टॉपिक पे हम स्पीच दे रहे होते हैं या स्पीच लिख रहे होते हैं जिस टॉपिक पे तो उस टॉपिक को इंट्रोडक्शन हम जरूर देते हैं यानी इंट्रोड्यूस करते हैं हम इस टॉपिक को थोड़ा बहुत इसकी इंट्रोडक्टरी लाइंस लिख के तो यस ये एक स्पीच का पार्ट है सब्जेक्ट सब्जेक्ट हमेशा लिखा जाता है फॉर्मल लेटर्स में यानी कि बिजनेस लेटर ऑफिशियल लेटर्स में वो स्पीच का पार्ट नहीं है तो ये इसको हम हटा देंगे फिर आती है यानी कि नेम ऑफ़ द राइटर तो लाइन कभी भी स्पीच में नहीं लिखी जाती है क्यों क्योंकि लाइन लिखी जाती है आर्टिकल में न्यूज़पेपर में या मैगजीन में जो हम आर्टिकल लिखते हैं उसमें बाय लिखी जाती है यानी कि जिस भी टॉपिक पे आर्टिकल लिखा जा रहा है न्यूज़पेपर या मैगजीन में वो टॉपिक का नाम और उसके जस्ट नीचे जिसने आर्टिकल लिखा है उसका नाम यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा है तो मैं लिखूंगी बाय और अपना नाम अनिशा तो ये होगी मेरी बाय लाइन ओके तो ये आर्टिकल में आती है स्पीच में नहीं आती तो ये भी ऑप्शन जो है रॉन्ग है बोथ बी एंड सी यानी बी और सी दोनों दोनों ही ऑड है क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक जो है वो तो आ रहा है तो इसको नहीं लेंगे ये दोनों ऑड हैं हमसे क्या पूछा था जो ऑड है जो सबसे अलग है तो बेसिकली यही दोनों वो चीजें हैं ये अलग है स्पीच के कॉन्टेक्ट में स्पीच राइटिंग में नहीं आती दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वॉट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ अ बिजनेस लेटर ऑन द लेफ्ट साइड जब भी आप बिजनेस लेटर लिख रहे हो दैट आप फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यूज कर रहे हो और जब भी फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आप यूज करते हो तो आपके लेफ्ट साइड से आप लिखना स्टार्ट करते हो यानी कि ऐसे अगर आप लिख रहे हो तो ये आपका लेफ्ट साइड होगा ओके तो लेफ्ट साइड पे क्या लिखते हैं सबसे टॉप पे तो सबसे टॉप पे जब लेटर हम स्टार्ट करते हैं तो सेंडर्स एड्रेस आता है यानी जिसने ये लेटर सेंड किया है उसका एड्रेस सबसे टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ऑप्शन है सब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट बाद में आता है सेंडर्स एड्रेस ये जैसे मैंने अभी अभी, अभी आपको बताया एज पर सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन हमेशा बॉडी के ऊपर आता है सबसे टॉप पे नहीं आता और सैल्यूटेशन के बाद बॉडी आती है सबसे पहले बॉडी या जो आपका मेन कंटेंट है लेटर का वो लिखना सबसे टॉप पे स्टार्ट नहीं करते हो सबसे टॉप पे सेंडर्स एड्रेस आता है दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वॉट इज प्लेस ऑन द टॉप इन देंटर ऑफ अ स्पीच जब भी स्पीच लिखना आप स्टार्ट करोगे तो सबसे टॉप पे सबसे टॉप पे एकदम सेंटर में बीच में मान लीजिए ये आप स्पीच लिख रहे हो ये आपने पूरी स्पीच लिखी है, yes? ये रही आपकी पूरी स्पीच तो सबसे टॉप पे एकदम सेंटर में यहाँ पर आप क्या लिखोगे तो जाहिर सी बात है आप अपनी हेडिंग लिखोगे या उस टॉपिक का नाम लिखोगे जिस पर ये पूरी स्पीच आपने लिखी है यस yes?

अगर ये टॉपिक है तो ये टॉपिक का या ये हेडिंग का नाम आएगा तो ये हेडिंग जरूर आएगी नन ऑफ दी अब यानी इनमें से कुछ नहीं तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया इज ऑप्शन नंबर सी हेडिंग ओके नेक्स्ट वॉट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ अ नोटिस जब आप नोटिस लिखना स्टार्ट करोगे तो वहां पे सबसे टॉप में सबसे ऊपर क्या लिखा जाएगा तो ऑप्शंस हैं बायो डेटा बायोडाटा यानि कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई आपका नाम क्या है आपका मैरिटल स्टेटस क्या है आपकी नेशनैलिटी क्या है आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है वर्क एक्सपीरियंस तो ये बायोडाटा तो कम्पलीटली डिफरेंट टॉपिक है नोटिस से तो वो क्यों आएगा यहाँ पे सैल्यूटेशन यानी कि जब आप किसी को एड्रेस कर रहे हो सर या मैडम बोल के तो ये यूजुअली आप फॉर्मल लेटर यानी कि बिज़नेस या ऑफिशियल लेटर्स में आप यूज़ करते हो ये कभी भी नोटिस में नहीं आता है फिर आता है सब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी किस टॉपिक पे आपने लेटर लिखा है एक लाइन में आपको बताना रहता है तो ये भी आपका बिजनेस लेटर में ऑफिशियल लेटर बोले तो फॉर्मल लेटर में आएगा नोटिस में नहीं आएगा तो ये ऑप्शन भी नहीं नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन तो यस उस इंस्टीट्यूशन का नाम या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसने ये नोटिस ड्राफ्ट किया यानी कि लिखा है आप सबके लिए उस इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा फॉर एग्जाम्पल स्कूल वालों ने स्कूल के बच्चों के लिए नोटिस लिखा है तो स्कूल का नाम आएगा सबसे टॉप में तो name of the institution, ही वो चीज़ है, जो सबसे टॉप में आएगी नोटिस में फॉलोइंग लैंग्वेज शुड बी यूज स्पीच जब भी आप स्पीच लिखोगे तो कौन सी लैंग्वेज यूज करोगे स्पीच लिखने में तो ऑप्शन है फ्रेंच फ्रेंच लैंग्वेज आई एम सॉरी नो वो फ्रांस के लोग लिखेंगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है हम स्पीच इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज करेंगे ऑप्शन इटालियन आई एम सॉरी नो इटली के लोगों को यूज करना दो हमारा काम नहीं है ओके फॉर्मल लैंग्वेज तो स जब भी आप स्पीच लिखोगे आप हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज यूज करोगे उसमें डियर हैलो हाई हावर खाना खा के जाना ये सारी चीजें नहीं फॉर्मल है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर ऑडियंस के सामने स्पीच बोल रहे हो या एक ऑडियंस के लिए स्पीच लिख रहे हो तो ये एक फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए तो येस फॉर्मल इनफॉर्मल आई एम सॉरी बिल्कुल भी नहीं इनफॉर्मल लैंग्वेज आप यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे अपनी स्पीच लिखने में क्योंकि ये बहुत ही लोकल लगता है स्पीच इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन

तो फॉर्मल लेटर में रिसीवर्स एड्रेस आता है जस्ट आफ्टर सेंडर्स एड्रेस तो ये तो पार्ट है डायग्राम्स लेटर uh, में कभी डायग्राम्स लगाते हैं पिक्चर्स फोटोज ये सब लगाते हैं हम कभी कभी भी नहीं लगाते ये सब आप पोस्टर में करिए जाके जब पोस्टर मेकिंग होती है तो उसमें डायग्राम्स पिक्चर पिक्चर्स या इमेजेस आप बनाते हो कभी भी लेटर में कोई भी डायग्राम फोटोज पिक्चर्स इमेजेस कुछ भी नहीं आता ये yes, सब्जेक्ट भी आता है आपके लेटर में और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी आता है सबसे लास्ट में तो जो चीज नहीं आती है जो चीज़ पार्ट नहीं है आपके बिजनेस लेटर का वो है ऑप्शन नंबर बी डायग्राम्स ओके नेक्स्ट विच ऑफ दीज इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ अ नोटिस जब आप नोटिस की बॉडी लिखना स्टार्ट करते हो यानी कि जो मेन कंटेंट होता है नोटिस का वो लिखना स्टार्ट करोगे तो वो उसमें से सबसे सुटेबल वे कौन सा है कंटेंट स्टार्ट करने के लिए यानी कि आपकी बॉडी स्टार्ट करने के लिए तो ऑप्शंस है आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोजिशन ऑफ भाई अगर मैं जॉब सीकर हूँ कहीं जॉब ढूंढ रही हूँ किसी कंपनी में तो मैं जॉब एप्लीकेशन जब लिखूंगी तब मैं लिखूंगी कि आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोजिशन ऑफ सो एंड सो आपकी कंपनी में यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे नोटिस कहाँ से आ गया नोटिस में तो हम जॉब लिखते हैं तो हम इंफॉर्मेशन देने के लिए या टू इन्फॉर्म करके हम स्टार्ट करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमें सामने वालों को प्रोवाइड करनी है दिस इज टू वार्न यू ये मैं नोटिस लिख रही हूं आपको वार्न करने के लिए आपको वार्निंग आपको चेतावनी देने के लिए आई एम सॉरी हम लोगों को डराने धमकाने के लिए यहां नहीं बैठे हैं दिस इज टू इन्फॉर्म तो येस जब भी हम नोटिस स्टार्ट करेंगे हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम लिखेंगे कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो हम लिख देंगे तो दिस इज टू इन्फॉर्म इज द राइट वे टू स्टार्ट योर नोटिस बीइंग रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज पेपर ये आप लेटर टू एडिटर में लिखती हूँ कि मैं बहुत रेगुलर रीडर हूं आपके न्यूज़पेपर का एंड उसके बाद आप अपनी बात कंटिन्यू करते हो तो यहाँ पे नोटिस का कोई लेना देना नहीं है स्पीच right जब आप स्पीच लिख रहे हो तो किसको दिमाग में रख के आप अपनी पूरी स्पीच लिखोगे तो बेसिकली स्पीच जो होती है वो आप लिखते हो अपनी ऑडियंस को दिमाग में रख के कि मेरी ऑडियंस कैसी है क्योंकि स्पीच सुननी उन्हीं को है अगर मैं देखूंगी कि ऑडियंस में सारे डॉक्टर्स हैं तो मैं हमेशा डॉक्टर की जो लैंग्वेज होती है या डॉक्टर के जो टर्म्स होते हैं वो ज़्यादा यूज़ करूँगी अपनी स्पीच में ताकि वो कनेक्ट कर पाएँ अगर कोई मान लो टीचर्स बैठी हुई हैं और मेरी स्पीच सारी टीचर्स की है तो मैं उनके लिए इंजीनियरिंग की लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि वो उनको समझ में नहीं आएगा उनके सर पे से बाउंसर जाएगा पूरा यस yes, तो आप जो भी लिखेंगे अपनी स्पीच अपनी ऑडियंस को मद्देनजर रखते अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए उनके लिए स्पीच रखेंगे तो किसको दिमाग में रखेंगे जब आप अपनी स्पीच लिखेंगे तो ऑप्शन है द ऑडियंस यस जैसे कि मैंने अभी, अभी आपको बताया स्कूल प्रिंसिपल स्कूल की प्रिंसिपल को ध्यान में रखो और स्पीच लिखो तो भाई ये स्कूल की प्रिंसिपल भी ऑडियंस का ही पार्ट होंगी अगर आप स्कूल में कोई स्पीच दे रहे हो तो द स्पीकर वो इंसान जो पूरी स्पीच स्पीक कर रहा है बोल रहा है तो भाई वो तो लिख ही रहा है अपने ही दिमाग को अपने ही बारे में ध्यान में रख के अगर लिखेगा तो भाई खुद ही बोले खुद ही सुने भाई स्पीच तो ऑडियंस के लिए होगी ना तो अपने लिए क्यों वो अपने बारे में सोच के क्यों वो पूरी स्पीच लिखेगा नेक्स्ट नन ऑफ अबव हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर ए द ऑडियंस नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ नोटिस इसमें से चार के सामने ऑप्शन है और इसमें से कौन सा पार्ट है आपके नोटिस का आपको वो बताना है तो ऑप्शन है सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपके हमेशा लेटर्स में आता है फॉर्मल लेटर्स में यानी कि बिजनेस से ऑफिशियल लेटर में तो ये आपका लेटर में आ गया इसलिए नहीं होगा फिर आता है बाई लाइन बाय लाइन मैंने आपको बताया था राइटर का नाम होता है और ये आपका आर्टिकल में आता है नोटिस में नहीं आता है हेडिंग तो यस yes, आप हेडिंग जरूर लिखेंगे अपने नोटिस में और नोटिस में हेडिंग लिखी जाती है कि किस टॉपिक पे नोटिस लिखा जा रहा तो yes, है तो यस हेडिंग आपके नोटिस का पार्ट है फॉर्मेट का भी पार्ट है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ये एंडिंग होती है आपके फॉर्मल लेटर की तो ये भी लेटर में आएगा नोटिस में नहीं आएगा दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हेडिंग इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट Which of these is the right format of writing the date in all the formal or business letters? आपके सामने चार options दिए हैं और उसमें अलग अलग तरीके से डेट्स बताई गई हैं इन चारों options में से सबसे सही तरीका कौन सा है किसी भी फॉर्मल लेटर या बिजनेस लेटर में डेट लिखने का आपको वो बताना है तो options है ट्वेंटी सेकेंड में आपने वर्ड्स में लिखा और टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो यस ये एक सही तरीका है डेट लिखने का किसी भी फॉर्मल लेटर यानी कि बिजनेस लेटर या ऑफिशियल लेटर में लिखने की सेकेंड आपने पूरा वर्ड्स में लिखा है ट्वेंटी टू मे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो ये तो कहीं पर भी पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी ये तरीका सही नहीं है डेट लिखने का ओके okay? लेटर में भी ऐसा नहीं आएगा नोटिस में भी ऐसा नहीं आएगा कहीं नहीं मे ट्वेंटी टू टू थाउजेंड ट्वेंटी वन यानी कि आपने वर्ड्स में सबसे पहले नेम ऑफ द मंथ लिखा है फिर डेट लिखी है कॉमा करके आपने ईयर लिखा है तो येस ये भी एक सही तरीका है ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एन सी ए एन सी दोनों सही है तो ये yes, क्योंकि ए भी सही है सी भी सही है दैट ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट इज इज द वर्ड लिमिट ऑफ अ बिजनेस और ऑफिशियल लेटर जब भी आपको बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर का कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो उसकी वर्ड लिमिट क्या है यानी कि कितने वर्ड्स में आपको अपना लेटर लिख के खत्म करना है तो ऑप्शन है हंड्रेड टू वन ट्वेंटी वर्ड्स B, 125 उज वर्ड्स तो जैसे कि हमने सबने पढ़ा हुआ और हमें अच्छे से पता है मैंने जब वीडियो करी थी इस लेटर के ऊपर तो मैंने क्लियरली बताया था कि 125 ट्वेंटी टू वन वर्ड्स में आपको अपना बिजनेस लेटर खत्म करना है दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट Which of the following are the features of a business or official letter? आपके सामने चार features या चार characteristics दिए हुए हैं business और या फिर official letter के बारे में एक ही बात है तो इसमें से कौन सा option है business या official letter के बारे में आपको वो choose करना है तो ऑप्शन नंबर एक क्लियर एंड एक्यूरेट आप जो भी बिजनेस लेटर लिखोगे वो क्लियर होना चाहिए यानी कि सामने वाले के समझ में आना चाहिए इतनी क्लैरिटी आप दो हर चीज के बारे में और एक्यूरेट होना चाहिए यानी कि सही होना चाहिए कुछ भी गलत गलत इधर उधर से आप कहानी नहीं लिख सकते तो यस ये बात सही है कि लेटर क्लियर और एक्यूरेट होना चाहिए एक्यूरेट यानी कि करेक्ट ओके कोहिरेंट कोहिर का मतलब होता है लॉजिकल तो यस yes, जब आप लेटर लिखोगे बिजनेस लेटर तो यू शुड बी कॉयर दैट मीन्स यू शुड बी लॉजिकल जो भी लिखोगे दिमाग से लिखोगे और जो सही है वो लिखोगे कुछ भी आप फालतू की चीजें नहीं लिख सकते लॉजिकल चीजें लिखोगे यानी कि जो एक्चुअली फैक्ट है जो करेक्ट है स्टिक टू द पॉइंट जो आपको बात बोलनी है सिर्फ उस पॉइंट पे रही है और उतनी पॉइंट टू पॉइंट बात लिखी है that's it. पूरी राम कहानी आपको नहीं लिखनी है क्योंकि आपको अपनी वर्ड लिमिट वन ट्वेंटी फाइव टू वन फिफ्टी वर्ड में पूरा लेटर खत्म भी करना है ये yes, तो ऑलवेज स्टिक टू द पॉइंट जितनी जरूरत की बात है उतनी बात लिखी है और लेटर खत्म करिए ऑल ऑफ द अबव येस क्योंकि ये तीनों ऑप्शन लेटर के बिजनेस लेटर के पार्ट है फीचर्स है दैट मीन ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अब इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट यहाँ पे चार स्टेटमेंट ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है सही है आपको वो बताना है नोटिस इज इनक्लोज इन अ बॉक्स जब भी आप नोटिस लिखोगे तो वो हमेशा एक बॉक्स में लिखोगे चाहे क्वेश्चन में पूछा जाए या नहीं पूछा जाए ये अंडरस्टूड है कि आपको लिखना है तो यस ये सही बात है नोटिस इज ऑफ फिफ्टी वर्ड्स नोटिस लिखने की जो वर्ड लिमिट है वो पचास वर्ड्स है उससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते ना उससे कम तो यस ये भी सही चीज़ है नोटिस इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन नोटिस आप जब भी लिखते हो तो आपका मेन मोटिव यही होता है कि आप सामने वालों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी चीज के बारे में तो यस yes, ये बिल्कुल सही चीज है दैट तीनों स्टेटमेंट सही है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट विच प्रोनाउन कैन बी यूज वाइल राइटिंग अ स्पीच जब भी आप स्पीच लिखोगे तो कौन सा प्रोनाउन आपको लिखना चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रोनाउन क्या होता है प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे यानी कि नाउन की जगह पर यूज होते हैं यानी कि नाउन हटा के आप उसकी जगह प्रोनाउन लिखते हो इसी को कहते हैं प्रोनाउन तो प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे आई वी दे, दे ये सारी चीजें तो वो पूछ रहे हैं कि जब आप स्पीच लिखते हो तो कौन सा प्रोनाउन आप लिख सकते हो तो आप कोई सा भी प्रोनाउन लिख सकते हो कोई उसमें एग्जैम्पन नहीं है कि ये प्रोनाउन या ये पर्टिकुलर वर्ड आप नहीं लिख सकते एनी प्रोनाउन कैन बी रू यूज या रिटर्न वाइल राइटिंग अ स्पीच तो ऑप्शन है दे ऑप्शन बी नंबर बी आई ऑप्शन नंबर सी प्रोनाउंस शुड बी अवॉइडेड प्रोनाउंस को तो अवॉइड ही करेंगे लिखेंगे ही नहीं तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ये तो लिखने ही पड़ेंगे आई वी यू दे देम ये सारे वर्ड्स तो यूज ही होंगे डेफिनेटली

और ऑप्शंस देखते हैं रिसीवर्स रिसीवर्स एड्रेस सबसे पहले तो, आते है। तो, तो गलत है तो ये ऑप्शन ऑप्शन सी सेंडर्स एड्रेस डेट रिसीवर्स एड्रेस सैल्यूटेशन सब्जेक्ट बॉडी ऑफ द लेटर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज तो ये बिल्कुल गलत है क्यों क्योंकि पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद सैल्यूटेशन आता है यानी कि सर मैडम और उसके बाद आप अपने लेटर की बॉडी स्टार्ट करते हो दैट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत है हमको क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन डी सेंडर्स एड्रेस डेट रिसीवर्स एड्रेस सब्जेक्ट सैल्यूटेशन बॉडी ऑफ द लेटर तो भाई बॉडी ऑफ द लेटर के बाद यहाँ पे नीचे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहाँ है योस ट्रूली या योज सेंसियरली वो सब जो है वो सब कहाँ है वो कॉम्प्ली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का पार्ट है ना तो वो यहाँ पे नहीं लिखा दैट मीन्स ये ऑप्शन भी रॉन्ग है विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट व्हाट शुड बी द टोन ऑफ अ राइटर वाइल राइटिंग अ कंप्लेंट लेटर फॉर एग्जांपल मैं कोई बिजनेस लेटर लिख रही हूं और मैं, मैंने पहले कुछ ऑर्डर किया हुआ है कोई सामान कोई गुड्स या प्रोडक्ट्स और उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया है गुड्स में सामान में प्रोडक्ट्स में कुछ गलती आ गई है तो मैं क्या करूंगी मैं कंप्लेन लेटर लिखूंगी उसी ऑर्गेनाइजेशन को जिससे मैंने सामान मंगवाया था कि भाई सामान आपने गलत भेजा है तो जब मैं कम्प्लेन लेटर लिखूंगी तो मेरी टोन कैसी होनी चाहिए अब क्योंकि मैं कंप्लेन कर रही हूँ तो मैं सामने वाले को गाली देना तो स्टार्ट नहीं कर सकती अब्यूजिव लैंग्वेज और अब्यूजिव वर्ड्स तो यूज़ नहीं करूँगी कि भाई कैसा सामान भिजवा दिया है क्या किया है ऐसा तो नहीं तो जब मैं कंप्लेन लेटर भी लिखूंगी तो ये एक फॉर्मल लैंग्वेज होगी इसमें मुझे अपना आ, अपनी जो मेरी लिमिट है उसको मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकती मुझे फॉर्मल लैंग्वेज में ही रहना पड़ेगा और उसी लैंग्वेज में लिखना है सेकेंडली डजन मैटर मैं किसी को कंप्लेन कर रही हूँ किसी डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स के बारे में या बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में तब भी मैं पोलाइटली बोलूँगी और हम्बल यानी बिल्कुल पोलाइट और काम रहूँगी लड़ूंगी नहीं मैं अपने लेटर में मेरी टोन बहुत पोलाइट और हम्बल होनी चाहिए ओके तो कैसी होनी चाहिए मेरी टोन ऑप्शन नंबर है पोलाइट एंड हम्बल फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें हमारा आंसर मिल गया है सेकेंड थ्रेटनिंग थ्रेटनिंग यानी जब आप किसी को धमकी दे के कुछ डरा रहे हो तो आई एम सॉरी किसी को डराने की धमकाने की कोई जरूरत नहीं है आप कंप्लेन करिए पोलाइट वे में और वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे सही गुड्स भेज देंगे सार्कास्टिक यू मीन जब आप बोलना कुछ चाह रहे हो और सर में सर्कस्टिक कुछ और बोल रहे हो हाँ हाँ सामान तो बहुत ही अच्छा था यानी मेरे बोलने का मतलब है कि सामान बहुत गंदा भेजा है लेकिन बोल के रही हूँ सामान तो बहुत ही अच्छा था तो मैं सरकाजम यूज कर रही हूँ सरकास्टिक के बोल रही हूँ तो ये सब फालतू का सरकाजम मुझे नहीं यूज करना है आपको जो क्लियर कट बात है वो लिखिए सामने वाला आपको पोलाइट वे में आप लिखिए सामने वाला आपकी प्रॉब्लम को गलती को सॉल्व कर देगा ऑप्शन नंबर डी रूड हो गए आप लड़ाई झगड़ा करोगे नहीं जस्ट बी पोलाइट एंड हम्बल दैट मीन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट इज बिलो सेंडर्स एड्रेस इन बिजनेस लेटर जब आप बिजनेस लेटर लिखोगे तो सेंडर्स एड्रेस के जस्ट नीचे बिलो क्या आएगा तो क्योंकि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यहाँ पे लगेगा तो सेंडर्स एड्रेस के बाद हमेशा एक लाइन छूटती है और फिर डेट आती है ये yes? तो ऑप्शन है सब्जेक्ट आएगा क्या नहीं सैल्यूटेशन आएगा क्या नहीं डेट आएगी क्या ये डी सेंडर्स एड्रेस तो भाई सेंडर्स एड्रेस तो उन्होंने पूछा ही है कि सेंडर्स एड्रेस के नीचे क्या आएगा तो सेंडर्स एड्रेस के नीचे एक और बार थोड़ी सेंडर्स एड्रेस आएगा तो सेंडर्स एड्रेस के नीचे डेट आएगी जो कि प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए वो भी दैट मीन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट हाउ इज स्पीच राइटिंग बिगन जब भी आप स्पीच लिखना चालू करते हो अपनी किसी भी टॉपिक पे तो बिगिन यानी बिगिन यानी कि स्टार्ट कैसे करोगे हाउ यू विल स्टार्ट राइटिंग योर स्पीच शुरुआत कैसे करोगे तो ऑप्शन है बाय बुलिंग द ऑडियंस क्योंकि आप जब भी स्पीच लिख रहे हो आप अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए लिख रहे हो तो क्या आप शुरुआत में अपने ऑडियंस को बुली करना स्टार्ट करोगे यानी उनके टांग खींचना स्टार्ट करोगे ऑडियंस के मज़े लेना स्टार्ट कर दोगे तो आई एम सॉरी आप ऐसा नहीं कर सकते ऑडियंस भड़क जाएगी उठ के बक जाएगी आप कहीं पर भी किसी भी स्पीच के पार्ट में ऑडियंस को बुली नहीं कर सकते इंसल्टिंग द ऑडियंस आप ऑडियंस की बेजती करोगे क्या बिल्कुल भी नहीं अंडे टमाटर पड़ जाएंगे आपको ग्रीटिंग द ऑडियंस तो येस जब आप स्पीच लिखना या सामने वालों ऑडियंस के सामने स्पीच बोलना स्टार्ट करोगे तो ऑलवेज स्टार्ट बाय ग्रीटिंग द ऑडियंस यानी कि आप ऑडियंस को ग्रीट कर रहे हो गुड मॉर्निंग कह रहे हो गुड आफ्टरनून कह रहे हो वेलकम टू द स्पीच या कुछ भी उनको वेलकम कर रहे हो बेसिकली उनको ग्रीट कर रहे हो तो ये ऑडियंस को आप ग्रीट करोगे थैंकिंग दस ऑडियंस को हम थैंक जरूर करते हैं लेकिन बिगनिंग बिगनिंग में नहीं एंडिंग में क्यों क्योंकि एंड में जब ऑडियंस क्या ऑडियंस ने आपको सपोर्ट किया इतनी देर आपके सामने बैठी आपकी पूरी स्पीच सुनी तो एंड में आप उनको थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड जो भी आपको बोलना है तो थैंकिंग एंडिंग में होता है बिगिनिंग में नहीं होता तो हाउ यू विल स्टार्ट राइटिंग योर स्पीच बाई ग्रीटिंग द ऑडियंस दैट मीन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वट इज द चीफ पर्पज ऑफ राइटिंग अ कंप्लेन लेटर जब भी आप कंप्लेन लेटर लिख रहे हो तो इट इज द पार्ट ऑफ योर बिजनेस लेटर आपने कोई गुड्स या कोई प्रोडक्ट्स या कोई सर्विसेज़ को ऑर्डर किया होगा हो सकता है गलत प्रोडक्ट्स आ गए या बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आ गए तो आप कंप्लेन करोगे उनकी कि भाई गलत सामान आपने भेज दिया है तो जब भी आप कंप्लेन लेटर लिखोगे तो उसका चीफ पर्पज यानी कि मेन मोटिव क्या होता है जब आप कंप्लेन लिखोगे तो ऑप्शन है टू फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स आपके पास डिफेक्टिव आ गए यानी टूटे फूटे गलत आ गए तो उसकी कंप्लेन करने के लिए येस yes, कर सकते हो आप टू फाइल अ कम्प्लेन अगेंस्ट पुअर सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड आपने कोई सर्विसेज मांगी थी और आपके पास गलत सर्विसेज आई या फिर सर्विसेज डीले हो गई लेट हो अच्छी सर्विसेज आपको प्रोवाइड नहीं की गई तो भी आप कंप्लेन लेटर लिखोगे यस yes, लिख सकते हो टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स डिलीवर्ड जो भी गुड्स डिलीवर हुए हैं आपके पास जो भी प्रोडक्ट सामान आपके पास पहुंचे हैं वो उनकी क्वालिटी बहुत पुअर है बहुत गंदी है टूट रहे हैं सामान खराब सामान है तो ये yes, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी आप एक कंप्लेन लेटर लिख सकते हो तो बेसिकली इन तीनों मोटिव्स के पीछे आप एक कंप्लेन लेटर लिख सकते हो विच इज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस लेटर दैट मीन ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन जब भी आप आप लिखोगे, फॉर्मल लेटर लिख रहे हो और फॉर्मल लेटर का ही फॉर्मेट लगेगा यहाँ पे तो जब भी आप बिजनेस लेटर लिखोगे तो एकदम टॉप पे राइट साइड पे यानी कि अगर आप लिखना स्टार्ट करो ये राइट साइड है तो एकदम टॉप पे राइट साइड पे क्या लिखोगे तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई जब भी आप एक फॉर्मल लेटर लिखना स्टार्ट करते हो तो एकदम लेफ्ट साइड से आप लिखना स्टार्ट करते हो यहां और आखिरी में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज तो आप जो भी लिखोगे सब लेफ्ट हैंड साइड चलेगा राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं चलेगा तो उन्होंने आपसे पूछा राइट हैंड साइड पे क्या आएगा सेंडर्स एड्रेस नो डेट नहीं एड्रेस नहीं कुछ भी नहीं आएगा राइट हैंड साइड पे जो भी आता है लेटर में लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे चाहे आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो चाहे इन फॉर्मल लेटर लिख रहे हो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड से ही लिखना स्टार्ट करते हो दैट मीन ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव इज द राइट ऑप्शन की कुछ भी नहीं आएगा राइट right साइड पे सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट विच इज़ द करेक्ट ओपनिंग सेंटेंस इन अ स्पीच राइटिंग जब भी आप स्पीच लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो आप ओपन कैसे करोगे अपनी स्पीच को यानी कि शुरुआत कैसे करोगे तो अच्छे अच्छे ओपनिंग सेंटेंसेज आपको यूज करने पड़ेंगे तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिए देखते हैं कि उनमें से कौन सा सही करेक्ट ओपनिंग सेंटेंसे वाइल राइटिंग है और स्पीच तो ऑप्शन है ऑल ऑफ यू आर फमीलियर तो यस yes, अगर मेरा टॉपिक है मान लो फॉर एग्जाम्पल जू एनिमल्स या फॉर एग्जाम्पल क्लैनलीनेस uh, मान लीजिए क्लैनलीनेस मेरा टॉपिक है तो मैं क्लैनलीनेस यानी कि साफ सफाई सभी लोग इस टॉपिक से फमीलियर हैं यानी कि परिचित हैं कि क्लैनलीनेस साफ सफाई क्या होती है यस yes? तो अगर मानो मेरा टॉपिक क्लैनलीनेस है तो मैं स्टार्ट कर सकती हूँ अपनी ओपनिंग लाइन कि ऑल ऑफ यूर फमीलियर विथ क्लैनलीनेस तो यस yes, ये एक मेरी गुड ओपनिंग लाइन हो सकती है आई स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक डैश तो आई स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक ऑन द टॉपिक क्लेंलीनेस तो येस ये भी मैं स्टार्ट कर सकती हूँ ये भी एक अच्छी ओपनिंग लाइन हो सकती है स्पीच में नेक्स्ट आई वेलकम यू ऑल ऑन द ओकेजन ऑफ फॉर एग्जाम्पल स्कूल में कोई ओकेजन uh, है मान लीजिए एनुअल फंक्शन का स्कूल एनुअल फंक्शन तो मैं ये ओपनिंग लाइन बोल सकती हूँ कि आई वेलकम यू ऑल ऑन द ओकेजन ऑफ स्कूल्स एनुअल फंक्शन 2021 या 2022 कुछ भी तो यस yes, कोई भी अगर स्पेशल ओकेजन है तो इससे भी आप स्टार्ट कर सकते ओकेजन का नाम बताते हो तो ये भी एक गुड ओपनिंग सेंटेंस होगा आपकी स्पीच में तो बेसिकली तीनों अच्छे ओपनिंग हैं ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वट आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एक्सप्रेशन इन स्पीच राइटिंग जब आप स्पीच लिखना स्टार्ट करते हो तो आपको एक्सप्रेशन के ऊपर मार्क्स मिलते हैं तो ये एक्सप्रेशन क्या होता है एक्सप्रेशन का मतलब मेरे फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होते एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि मैंने सही स्पेलिंग्स लिखी हैं ग्रामर सही लिखी है जो भी लिखा है सब लॉजिकल लिखा है क्लियर लिखा है सबको समझ में आ रहा है तब जाके मुझे पूरे स्पीच के एक्सप्रेशन के टू मार्क्स या फाइव मार्क्स जो भी टू या टू पॉइंट फाइव मार्क्स जो भी जितने मार्क्स होते हैं वो सब मुझे मिलेंगे तो यस तो एक्सप्रेशन क्या होता है बीइंग लॉजिकल logical, आप लॉजिकली लिख रहे हो दिमाग से समझदारी से लिख रहे हो जो भी स्पीच लिख रहे हो कहीं की बात कहीं भी नहीं लिख रहे हो तो यस yes, अगर आप लॉजिकल हो तो एक्सप्रेशन के मार्क्स मिलेंगे ग्रामेटिकली ग्रामेटिकल एक्यूरेसी आपने ग्रामर से रिलेटेड कोई मिस्टेक नहीं करी है तो आपको एक्सप्रेशन के मार्क्स मिलेंगे करेक्ट स्पेलिंग आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करी है छोटे बच्चों जैसे तो भाई साहब स्पेलिंग सही लिखोगे तो मार्क्स आपको फुल मिलेंगे जब ये तीनों चीजें आप लिखोगे सही तरीके से तो एक्सप्रेशन के आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे स्पीच राइटिंग में विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दब इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट हाउ इज स्पीच कंक्लूडेड जब भी आप स्पीच कंक्लूड करते हो यानी कि एंडिंग करते हो अपनी स्पीच की तो उसकी एंडिंग कैसे होगी तो ऑप्शन है बुलिंग द ऑडियंस ऑडियंस के मज़े लेके ऑडियंस के टांग खींच के बिल्कुल भी नहीं ऑडियंस उठ के चली जाएगी सुनेगी नहीं तो एंडिंग तो बहुत दूर की बात है इंसल्टिंग द ऑडियंस किसी भी केस में आप अपनी ऑडियंस को इंसल्ट नहीं कर सकते ग्रीटिंग द ऑडियंस ग्रीटिंग यानी कि आई वेलकम यू ऑल गुड मॉर्निंग एवरीबडी तो ये सब स्टार्टिंग में होगा ये कंक्लूजन यानी एंडिंग में नहीं करोगे आप तो ये स्टार्टिंग में होगा थैंकिंग यस जब पूरी स्पीच खत्म हो जाएगी तो आप अपनी ऑडियंस को थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम या जो भी आपको जो भी मतलब थैंक यू करके आप अपनी ऑडियंस को थैंक यू कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया आपको और आपकी बात पूरी सुनी या आपकी स्पीच पूरी पढ़ी तो यस यू कैन एंड योर स्पीच बाय थैंक द ऑडियंस दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट

एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताते हो उसको कुछ सजेशंस भी दे सकते हो आप अपनी स्पीच में काफ़ी सारी चीजें तो येस फॉर्मैट में होना चाहिए एक्सप्रेशन मैंने अभी आपको बताया कि आप अगर लॉजिकल हो ग्रामर सही लिखी है स्पेलिंग सही लिखी है तो आपको पूरे एक्सप्रेशन के भी मार्क्स मिल जाएंगे कंटेंट जो पूरा मेन कंटेंट लिख रहे हो जो पूरा अपना टॉपिक के बारे में जो मेन चीज आप लिख रहे हो अगर वो आपने सही लिखी है तो भी आपका पूरी स्पीच पूरी सही है तो बेसिकली जो आपने फॉर्मेट फॉलो किया है जो एक्सप्रेशन आपने सही किए जिसमें करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट ग्रामर बींग लॉजिकल सब कुछ आता है पूरा कंटेंट सही लिखा है इन सब चीजों के ये सारे वो पैरामीटर्स है जिसमें आपकी स्पीच को चेक किया जाता है तो बेसिकली ऑल थ्री ऑप्शन करें ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट अ गुड स्पीच मस्ट डैश अगर एक अच्छी स्पीच आपको लिखनी तो उसमें क्या चीज़ें ज़रूर से होनी चाहिए तो ऑप्शन है फैक्ट्स फैक्ट्स यानी वो सारी चीज़ें जो कभी बदलती नहीं है कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आप दे सकते हो अप्रॉक्सीमेटली वर्ड यूज़ करके तो यस कुछ फैक्ट्स आप दे सकते हो इससे आपकी स्पीच को भारीपन यानी वजन मिलता है और आपकी स्पीच अच्छी स्ट्रांग होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यानी वो सेंटेंसेस विच आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड तो भाई अगर आपने अपनी स्पीच में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज यानी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और डिफिकल्ट सेंटेंसेज यूज़ किए तो आई एम सॉरी हो सकता है आपके ऑडियंस को समझ में ना आए आपकी ऑडियंस कन्फ्यूज रह जाए आपकी स्पीच सुनने के बाद तो आप कोशिश ये करिए कि अच्छे अच्छे कोट्स डालिए अच्छे अच्छे फैक्ट्स डालिए लैंग्वेज जो भी आप यूज़ कर रहे हो वर्ड्स जो भी आप यूज़ कर रहे हो सिंपल या मॉडरेट डालिए एज पर योर ऑडियंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज ज़्यादा मत डालिए तो ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कोट्स कोट्स यानी बड़े बड़े महान लोगों ने जो कोट्स बोले जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वर्क हार्ड जो भी सब चीजें तो अच्छे अच्छे आप कोट्स डालिए तो इससे आपकी स्पीच और अट्रैक्टिव और अच्छी बनेगी तो ये भी आप डाल सकते हो अपनी अच्छी स्पीच में बोथ ए एन सी यानी ए एन सी दोनों तो यस ए एन सी जब आप फैक्ट्स एंड कोट्स दोनों डालोगे तो आपकी स्पीच अच्छी होगी विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट वॉट इज रिटन आफ्टर ग्रीटिंग्स टू ऑडियंस देंस राइटिंग अ स्पीच जब भी आप स्पीच लिखते हो तो शुरुआत में एकदम स्टार्टिंग में आप अपनी ऑडियंस को ग्रीट करते हो कहाँ पे स्टार्टिंग में आप अपनी ऑडियंस को ग्रीट करते हो बाय सेइंग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ भी करके या वेलकम टू द ओकेजन ऑफ कुछ भी तो इस तरीके से आप ग्रीट करते हो ग्रीट करने के जस्ट बाद आप क्या बोलोगे जब आपने ऑडियंस को ग्रीट कर दिया वेलकम कर दिया अपनी स्पीच में उसके बाद जो भी आपका टॉपिक है स्पीच का उसको आप इंट्रोड्यूस करोगे यानी यू विल गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक और उसके बाद उस टॉपिक को और इलेबरेट करते जाओगे डिस्क्राइब करते जाओगे लिखते जाओगे उसके बारे में या फिर बोलते जाओगे यस तो जस्ट ग्रीटिंग द ऑडियंस के बाद आप क्या करोगे स्पीच में तो ऑप्शन है फ्यूचर एक्शन प्लान आपका फ्यूचर एक्शन प्लान बताओगे कि अरे भाई अब मेरे फ्यूचर में मैं यही प्लान करने वाली हूँ प्लान है मेरा और इस पर मैं अब एक्शन करूंगी यानी इसी पे अब मैं वर्कआउट करूंगी तो आई एम सॉरी ये सब चीजें आप स्पीच में नहीं बताते हो ये सब चीजें आप आर्टिकल में बता सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी आपका टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यस सजेशंस अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उस बारे में आप सजेशंस दे सकते हो तो आई एम सॉरी जस्ट सजेशंस इंट्रोड ग्रीटिंग्स के बाद नहीं आते पहले तो आप प्रॉब्लम बता सकते हो उसके बाद आप उसके सजेशन बताओगे ना भाई या जो भी एक्शन प्लान होंगे वो आप एंड में बताओगे ना कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में जस्ट ग्रीट करने के बाद तो पहले आप सबसे पहले टॉपिक बताओगे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे तो सजेशन भी आप शुरुआत में नहीं दे सकते लास्ट है ऑल ऑफ दी अबव ऑल ऑफ दी अबव हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट वॉट डज फ्लुएंसी मीन इन अ स्पीच राइटिंग ऑप्शन नंबर ए स्पीकर एबिलिटी टू कनेक्ट हिज थॉट सिक्वेंशियली क्या फ्लुएंसी का मतलब ये होता है स्पीच राइटिंग में कि जो स्पीकर है वो इतना एबल है इतना काबिल है कि जो भी उसके थॉट्स हैं वो सिक्वेंशली आपस में कनेक्ट कर पा रहा है यानी कि जब वो बात कर रहा है या जब वो पूरी स्पीच लिख रहा है या पूरी स्पीच डिलीवर कर रहा है अपनी ऑडियंस के सामने तो वो अपने सारे थॉट्स को एक साथ बुन रहा है यानी कि वीव कर रहा है फॉर एग्जाम्पल इधर की बात उधर नहीं कर रहा है यानी कि वो पूरा बता रहा है इंसिडेंट्स की पहले ऐसा हुआ था फिर ऐसा हुआ था फिर ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था ताकि ऑडियंस पूरा कनेक्ट कर पाए कि स्पीकर क्या बोलना चाह रहा है या क्या लिख रहा है अपनी स्पीच में कन्फ्यूज So yes, हम कह सकते हैं स्पीकर की जो एबिलिटी है कि वो अपने सारे को एक के एक में. आपकी कि आप अपनी ऑडियंस को अच्छे से थैंक कर पा रहे हो तो वो तो अच्छी कंक्लूजन होगा और वो आपकी पूरी फ्लुएंसी का पार्ट होगा तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा एबिलिटी टू गिव प्रोज एंड कॉन्स प्रॉज एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेजेस एंड ओके तो प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेजेस एंड disadvantages. तो अगर किसी टॉपिक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दे रहा है आपका स्पीकर या लिख रहा है आपका स्पीकर तो उसको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर बताने एकदम शुरुआत में ही नहीं बताएगा या एकदम एंड में नहीं बताएगा उसको पता है कि बीच में कहीं पर आ, अपने स्पीच का जो पूरा कंटेंट है उसको कनेक्ट करते हुए मुझे बताना कि ये एडवांटेज है ये डिसएडवांटेज है तो अगर ये उसको मालूम है तो वो एक अच्छी फ्लुएंसी मेंटेन कर रहे हैं अपनी स्पीच में तो ये जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं ये भी आपका फ्लुएंसी का ही पार्ट है यानी कि वो स्पीकर अच्छे से सीक्वेंस में एक के बाद एक कनेक्ट कर पा रहा है हर चीज तो ये भी उसी का ही पार्ट है तो ये अलग से नहीं आएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अब हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट ट इज लिमिट ऑफ राइटिंग स्पीच फॉर क्लास इलेवें बता दी थी बिजनेस लेटर ऑफिशियल लेटर की हमने बता दी थी ट्वेंटी होती है तो आप स्पीच लिखने की वर्ड लिमिट क्या है तो ऑप्शन है हंड्रेड टू वन ट्वेंटी वर्ड्साइव टू टू हंड्रेड वर्ड वन ट्वेंटी थाउजेंड वर्ड्स क्लास इलेवंथ में जैसे कि हमने पढ़ा है अच्छे से हमको पता भी है हमने कवर किया था जब हम जब हमने एक्सप्लेनेशन किया था इस टॉपिक का कि ऑप्शन नंबर बी 125 टू 200 वर्ड्स की जो लिमिट होती है वो स्पीच राइटिंग की वर्ड लिमिट होती है सो दिस इज द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट हाउ इज अ बिजनेस और ऑफिशियल लेटर एंडेड जब भी एक बिजनेस लेटर ऑफिशियल लेटर आप लिखते हो तो उसकी एंडिंग कैसे कर रहे हो आप आखिरी में क्या लिखते हो तो ऑप्शंस हैं है, हुरे, आप आप्रे लिखोगे भैया क्यों लिखोगे ये हुरे, ब्रावो, ये ब्रावो सब कुछ नहीं लिखना है भाई ऐसा तो आप इनफॉर्मल लेटर में भी नहीं लिखते हो ओके लास्ट में लिखोगे बाय बाय कर दोगे तो आई एम सॉरी नहीं ऐसा इनफॉर्मल लेटर में भी बाय नहीं लिखते हैं तो ये तो फॉर्मल लेटर हो गया बहुत दूर की बात हो गई तो ये भी नहीं ट्रूली तो येस yes, लास्ट में आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दोगे और आप लिखोगे योर्स ट्रूली अपना नाम और अपना डेजिग्नेशन या अपनी सिग्नेचर कर दोगे दैट इड तो येस यॉर्स ट्रूली या योसिनली करके आप अपना एंडिंग दे सकते हो एक बिजनेस लेटर ऑफिशियल लेटर की क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल लेटर का ही फॉर्मेट चलेगा नन ऑफ दी अबव होगा नहीं क्यों क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर सी सो चिल्ड्रेन हैशन आई होप आपको तीनों टॉपिक्स चाहे नोटिस राइटिंग हो या बिजनेस ऑफिशियल लेटर्स हो या स्पीच राइटिंग हो इन तीनों के एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको हो। और आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं वहां ना मिले तो हमारे गूगल पे जाइए गूगल पे वेबसाइट का नाम डालिए विच इज़ मैगनेट ब्रेन डॉट कॉम जैसे आप वेबसाइट का नाम डालेंगे इस तरीके से आपके सामने एक पेज आ जाएगा जहाँ सारी टीचर्स रिस्पेक्टिव टीचर्स के अपने उनके सब्जेक्ट्स हैं यहाँ इंग्लिश का भी ऑप्शन है जैसे आपको हॉर्नबिल का ऑप्शन है ये अलग से दिया हुआ है यहाँ स्नैपशॉट्स का अलग से ऑप्शन दिया है फॉर एग्जाम्पल आपको हॉर्नबिल का ऑप्शन हम क्लिक करेंगे अगर हॉर्नबिल के वीडियोज़ देखने तो उस पर क्लिक करिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑल द वीडियोज़ आ जाएंगी जिस भी वीडियो पे आप क्लिक करेंगे उस वीडियो वो आपका जो मेरा वीडियो है वो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर YouTube पे आपको ईजिली वीडियोज़ नहीं मिल रही है तो कैसे वेबसाइट से आप उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो एंड डू नॉट फोगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर YouTube चैनल तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर